सो पिछले एपिसोड में जियान वापस चिंगसेन टाउन में पहुंच गया था और ये एक्सप्लेनेशन होने वाला है बहुत ज्यादा मजेदार, तो पूरा देखना। इसमें बेसिकली हम ही क्लैन के बारे में डिस्कवर करेंगे। अगला पड़ाव होगा जियान का ब्रेक थ्रू, जहाँ पे हम मास्टर योलाओ से दोबारा मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सो चिंगसेन टाउन के आसपास जो सबसे ज्यादा फेमस ग्रुप था उसका नाम था ब्लड बैटल मर्सनरीज कंपनी। अब इन लोगों ने अपना दबदबा इतने टाइम से यहाँ पे बना के रखा था, इस चीज से हमें इनकी स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाता है। लेकिन चीजें बदलना शुरू तब हुई जब पिछले कुछ टाइम से एक नया ग्रुप आया और इसे लोग कहते थे स्नेक नेस्ट मर्सनरीज कंपनी। ये करीब एक साल पहले इस टाउन में एंटर हुए थे। ये स्नेक नेस्ट मर्सनरी कंपनी भी काफी ज्यादा पावरफुल लोगों का एक ग्रुप था। इन्हें हम बेसिकली ब्लडी बैटल मर्सनरीज कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं। अब नॉर्मल सिचुएशन में ये दोनों बराबर पावरफुल थे, लेकिन ब्लड ग्रुप मर्सनरीज कंपनी के साथ सबसे बड़ी परेशानी थी कि उनके पास कोई बैकिंग नहीं थी, उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं था। अब जामा एम्पायर में जो दो वांग पे पहुंच गए उनका काफी ज्यादा चर्चा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो वांग को देखना काफी ज्यादा रेयर है। अगर दूलिंग लेवल के कल्टिवेटर्स की बात करें तो जामा एम्पायर में अगर उन्हें कोई ढूंढने निकल जाए तो हाँ वो आसानी से मिल जाते थे, लेकिन यही सेम चीज दो वांग के लिए नहीं कह सकते। अगर हम पूरे जामा एम्पायर को मिला के सारे दो वांग कल्टिवेटर्स को इकट्ठा करें तब भी वो 100 से कम मिलेंगे। इससे हमें मालूम पड़ता है कि दूलिंग और दो वांग में कितना बड़ा डिफरेंस है। अब ब्लड बैटल मर्सनरीज ग्रुप का जो लीडर था वो 7-स्टार डोलिंग था और वहीं पे स्नेक नेस्ट मर्सनरी कंपनी का जो लीडर था वो था 8-स्टार डोलिंग। अब दूर से देखें तो लगता है ये काफी ज्यादा सेम लेवल पे हैं, लेकिन जब भी पिछले कुछ टाइम से इन दोनों ग्रुप्स के बीच में फाइट हुई तो हमेशा स्नेक नेस्ट मर्सनरीज ग्रुप का पलड़ा भारी रहा। अब ये उस लीडर की पर्सनल स्ट्रेंथ की वजह से नहीं था, इशू ये था कि वो कई एक्सपर्ट्स को ही क्लैन से बोरो कर सकते थे, क्योंकि स्नेक नेस्ट मर्सनरी कंपनी का जो लीडर था वो ही क्लैन का एक सन इन लॉ था और जो ही क्लैन का लीडर था वो इस मर्सनरी ग्रुप के लीडर को काफी ज्यादा लाइक करता था। अब ही क्लैन थोड़ी सी बड़ी पावर थी जिसकी वजह से छोटे मोटे ग्रुप खत्म हो जाए तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, जिस वजह से ही क्लैन का लीडर आराम से एक इशारा करता था और ही क्लैन के कई फाइटर्स स्नेक नेस्ट मर्सनरीज के लिए फाइट करना शुरू कर देते थे। हमने एपिसोड 61 में भी देखा कि कागेंग और लिंगर इन दोनों को भी स्नेक नेस्ट मर्सनरीज के लोगों के द्वारा हंट किया जा रहा था। उस टाइम स्नेक नेस्ट मर्सनरी के लीडर ने ही क्लैन से करीब 2 एक्सपर्ट्स को बुलाया था जो कि 6-स्टार डाउलिंग लेवल पे थे, जिस वजह से ब्लडी बैटल मर्सनरी ग्रुप को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अगर हमारा जियान उस टाइम शो अप नहीं होता तो शायद ब्लडी बैटल मर्सनरी कंपनी चिंगसेन टाउन से साफ हो जाती। अब खैर जियान ने ब्लडी ग्रुप मर्सनरी कंपनी की खुद जाके मदद नहीं करी थी, क्योंकि जियान की नजरों से देखें तो उसका और ब्लडी ग्रुप मर्सनरी कंपनी का कोई लेना देना नहीं था। अब जियान ने तो सिर्फ कागेंग और लिंगर इन दोनों की हेल्प करी थी, क्योंकि जियान को पता था उसके बनाई हुई फायर लोटस बॉटल से दूलिंग क्लास के वॉरियर्स को आराम से संभाला जा सकता है। अब खैर चीजें हमेशा वैसी नहीं जाती जैसी हम सोचते हैं। कागेंग ने जियान की दी हुई फायर लोटस बॉटल से अपने ग्रुप को बर्बाद होने से बचा लिया था। उसने 3 बॉटल्स का यूज किया था जिसकी वजह से ही क्लैन के एक मेंबर का तो पूरा पत्ता साफ हो गया था और एक को काफी ज्यादा इंजरीज का सामना करना पड़ा था। अब इस टैक्टिक की वजह से पूरी सिचुएशन बदल गई थी और ये वाली फाइट स्नेक नेस्ट ग्रुप हार गए थे। एज अ रिजल्ट ब्लडी बैटल ग्रुप के सारे लोगों का काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उनने अगले एक महीने में सारे के सारे स्नेक नेस्ट मर्सनरी ग्रुप के लोगों को चिंगसेन टाउन से खदेड़ डाला। लेकिन ब्लडी बैटल ग्रुप को ये भी पता था कि ये मैटर इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं है। इस कमोशन की वजह से जो ही क्लैन का लीडर है ये बात उसके कानों तक जाएगी। आफ्टर ऑल उसके सन इन लॉ की और उसके ही क्लैन के 2 मेंबर्स की ऐसी हालत जो हुई है, अब इस तरीके का लॉस ही क्लैन इतनी आसानी से थोड़ी हजम कर लेगा। खैर ब्लडी बैटल कंपनी को ये सब पता था, लेकिन अपने कई सालों की मेहनत को वो इस तरीके से बर्बाद नहीं होने दे सकते थे। अब इसी की वजह से ब्लडी ग्रुप कंपनी के लोगों के अलग अलग विचार होने लगे थे। लेकिन तभी उनके कानों में एक खबर जाती है कि ही क्लैन के सारे मेंबर्स उनसे फाइट करने के लिए आ चुके हैं। लेकिन उन्हें और भी बड़ा झटका तब लगता है जब उन्हें मालूम पड़ता है कि ही क्लैन का जो लीडर है जो कि एक 2 वांग क्लास का फाइटर है वो भी आया है। अब 2 वांग क्लास की खतरनाक स्ट्रेंथ की वजह से ब्लडी ग्रुप बैटल कंपनी के सारे डिफेंसेज एक एक करके टूटने लगे। अपने ग्रुप की ऐसी हालत देख लोगों के चेहरे के अलग अलग रंग बदलने लगे थे। अब इस वक्त कागेंग जो कि जियान से मिला था वो भी काफी डरा हुआ था, लेकिन तभी उसे उस जेड के बारे में याद आता है तो वो फटाक से इस जेड को तोड़ देता है जिससे जियान को ये खबर पहुंच सके। अब उसे ये तो नहीं पता था कि जियान आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन उसके पास होप के अलावा और कुछ बचा भी नहीं था। इस बैटल का अंजाम ये था कि जो ब्लडी ग्रुप कंपनी थी जिसके पूरे ग्रुप में कभी लोगों के हंसने की आवाजें आती रहती थी, अब वो बिल्कुल साइलेंट पड़ चुका था। ही क्लैन के मेंबर्स ने करीब 100 से ज्यादा लोगों को अपने घरों से बाहर निकाला जिसमें बूढ़े बड़े बच्चे सब शामिल थे, लेकिन किसी के मुंह से बिल्कुल भी आवाज नहीं आई। वो इसलिए क्योंकि ग्राउंड पे बहुत सारी लाशें
हड्डियां पड़ी हुई थी। किसी का सर उसके धड़ से अलग था तो किसी के हाथ अलग थे। ये व्यू काफी ज्यादा भयानक था। सीन चेंज होता है और हमारा ध्यान जाता है एक ओल्ड मैन पे जो कि एक सिंपल चाइनीज ड्रेस को पहन के एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन उसके मुंह पे काफी ज्यादा ग्लूमी एक्सप्रेशन दिख रहा था। वो दो फायर लोटस बोतल से अपने हाथों में खेलते हुए कहता है कि तुम लोगों ने इस पे रिलाई किया मेरे स्नेल लॉ को इंजर्ड करने के लिए और मेरे ही क्लैन के मेंबर्स को मारने के लिए। तभी एक रास्ता खुलता है और कागैंग सबसे सामने आता है। वो कहता है ये सारी की सारी फायर बोतल्स मेरी तरफ से आई हैं। अगर तुम मुझे जान से मारना चाहते हो तो अपनी ये इच्छा भी पूरी कर लो, लेकिन मैं तुमसे बस एक ही बात की विनती करता हूँ कि इन सारे के सारे बच्चों को और औरतों को जाने दो, क्योंकि इन्हें कुछ भी नहीं पता है। कागैंग के पीछे एक इंसान खड़ा हुआ था जिसका पूरा का पूरा फेस पेल हो चुका था। उसके कपड़ों को देख के ऐसा लगता है जैसे कि वो ब्लडी ग्रुप मर्सनरी कंपनी में काफी हाई पोजीशन पे रहा हो, लेकिन इस वक्त उसके फेस पे बस एक हेल्पलेस स्माइल थी। हालांकि वो एक डुअलिंग क्लास का वॉरियर था, लेकिन ही क्लैन के लीडर के सामने उसकी एक नहीं चली और एक ही पंच में उसे काफी ज्यादा सीरियस इंजरीज का सामना करना पड़ा। पास में खड़ी लिंगर उस इंसान से पूछती है सेकंड अंकल आप सही हो? हम लिंगर की आंखों में काफी आंसू देख सकते हैं। तो वो मिडिल एज मैन कहता है कि अभी तो मैं सही हूँ लेकिन मेरी एंडिंग का कुछ पता नहीं है। जिस बात पर लिंगर अपना सर हिलाते हुए कहते हैं कि आप चिंता मत करो, जैसे ही मिस्टर जियान यहाँ पे आएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात सुन के उसके सेकंड अंकल काफी निराशा भरी आवाज में कहते हैं कि मिस्टर जियान अच्छा वो मिस्टीरियस इंसान जिसने तुम्हें ये फायर लोटस बोतल दी थी। वो हंसते हुए कहता है कि इस इंसान का नाम तो स्ट्रॉन्गेस्ट अलायंस के चीफ से मिलता है, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ऐसे लोगों को आते जाते कहीं भी मिल जाए। लिंगर कुछ कहना चाहती थी लेकिन एंड में उसने चुप रहना चुना। वो जानती थी कि सामने एक दो वांग लेवल का बंदा बैठा है और वो जब चाहे ब्लडी ग्रुप मर्सनरी कंपनी को एक फ्लिक ऑफ फिंगर से तबाह कर सकता है। वो ही क्लैन का हेड ये सब कन्वर्सेशन ध्यान से सुन रहा था और जब बात जियान की आई तो उसने भी अपनी मुट्ठी को क्लेंच कर लिया था। उसकी आंखें अचानक दो टाइनी स्लिट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो उन फायर लोटस बॉटल्स को दूर थ्रो कर देता है जहां पे जाकर एक बड़ा सा ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है। और जब वो इस डीप होल को देखता है तो उसकी पूरी बॉडी में एक चिल फैल जाती है। वो भी ये समझ नहीं पा रहा था कि इतनी छोटी सी बॉटल इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन कैसे क्रिएट कर सकती है। वो कैगैंग की तरफ देखता है और कहता है ये सब तुम्हें कहां से मिला? ये बात सुन के कैगैंग डरते हुए कहता है कि जब मैं बीस्ट को हंट करने के लिए जा रहा था तब ये सब मुझे मिला था। कागैंग को यहाँ पे पता चल गया था कि ये ही क्लैन का लीडर इन फायर लोटस बॉटल्स के लालच में आ गया है, लेकिन जियान क्योंकि उसका बेनिफैक्टर था तो वो उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करता है। हालांकि कागैंग ने ये जवाब काफी स्विफ्टली दिया था, लेकिन फिर भी ही क्लैन के लीडर से कागैंग के फेस एक्सप्रेशंस और उसकी आंखों की मूवमेंट्स बिल्कुल भी नहीं छुप सकती थी। तो वो रैंडमली अपने हाथ को वेव करता है जिसकी वजह से एक भयानक सी फोर्स कागैंग की बॉडी में जा टकराती है। इसकी वजह से कागैंग के मुंह से तुरंत ही खून निकलने लगता है। वो इस अटैक से काफी पीछे तक दूर चला जाता है। वो तब रुकता है जब ही क्लैन के दो गार्ड्स उसे पकड़ के आगे फेंक देते हैं। ही क्लैन लीडर कहता है कि मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ, मुझे बताओ। हालांकि कागैंग की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो इसी बात पे डटा रहता है। वो कहता है मैंने ऑलरेडी तुम्हें सब कुछ सही सही बता दिया है। ये बात से ही क्लैन लीडर काफी ज्यादा गुस्सा होकर कागैंग की तरफ बढ़ने लगता है और एक मूवमेंट के बाद वो कागैंग के सामने खड़ा हुआ था। इस वक्त कागैंग की हालत काफी ज्यादा खराब थी, वो लगभग मरने की हालत में था, लेकिन इस बात से ही क्लैन के लीडर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके मुंह पे एक सैवेज स्माइल क्लियरली अपीयर होती है और वो फटाक से अपना हाथ उठाता है और एक हैवी अटैक कागैंग की हेड की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और अगर ये अटैक कागैंग को लग गया तो उसका सर बिल्कुल वाटरमेलन की तरह फटना पक्का है। ये देख के कई औरतें और बच्चे चीखने लगते हैं, लेकिन ये आवाजें सुन के वो क्लैन लीडर और भी ज्यादा एंजॉय करने लगता है। और जब उसका अटैक कागैंग के हेड से बस एक इंच दूर था तभी पीछे से एक काम आवाज आती है और नेक्स्ट मोमेंट में उस क्लैन लीडर का अटैक शिफ्ट हो जाता है और इस आवाज की वजह से बाकी की सारी आवाजें शांत हो जाती है। ये आवाज सुन के वो क्लैन लीडर भी काफी ज्यादा चौंक गया था क्योंकि उसके अटैक को रोकना इतनी आसान बात नहीं थी। वो पोलाइटली बोलते हुए कहता है कि ये मैटर हमारे ही क्लैन मेंबर्स का है, आप जो भी हो अगर इसमें इंटरफेयर ना करो तो ज्यादा अच्छा होगा। ये बोलते टाइम वो अपनी नजर को चारों तरफ दौड़ाता है लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता है। तभी एक आवाज आती है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? तभी सामने के ग्राउंड में एक ब्लैक फिगर अपीयर होता है जो कोई और नहीं हमारा ठरकी जियान था। अब जियान यहाँ पे इस तरीके से अपीयर हुआ था कि वो ही क्लैन का लीडर काफी ज्यादा अंदर से डर गया था। खासकर जब उसकी नजर जियान के यंग चेहरे पे जाती है तो वो और भी ज्यादा स्टार्टल हो जाता है। जियान को देख के लिंगर और कागैंग दोनों काफी ज्यादा खुश हो गए थे। अब कागैंग का ऐसा रिएक्शन देख के उसके ग्रुप में एक उम्मीद की किरण फैल गई थी। लिंगर के सेकंड अंकल उससे पूछती है क्या यही है मिस्टर जियान, जिसका आंसर लिंगर सिर्फ एक नॉड के साथ करती है क्योंकि उसका पूरा का पूरा ध्यान जियान पे केंद्रित था, मतलब वो घूरे जा रही थी। तो उसके सेकंड अंकल पूछते हैं लेकिन ये तो काफी ज्यादा यंग लग रहे हैं। इस बात का जवाब लिंगर एक स्माइल के साथ देती है। वो कहती है भले ही मिस्टर जियान बहुत यंग लग रहे
गया हूँ, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग है। ये सुन के उसके सेकंड अंकल काफी खुश हो जाते हैं। वो इस बात की होप भी कर रहे थे क्योंकि कोई इस तरीके का मैजिक ही उन्हें सिचुएशन से बाहर निकाल सकता था। वो अपने दिमाग में सोचते हैं कि जिस तरीके से ये यंग मैन दिख रहा है, इसकी एज अराउंड 20 ईयर्स की होगी, तो इसकी ट्रेनिंग में भी कम टाइम लगा होगा। अब जियान के बारे में चारों तरफ चर्चे सुन के वो क्लैन लीडर भी काफी ज्यादा सीरियस हो गया था। अब क्योंकि हमारा जियान ऑलरेडी 2 वांग के पीक पे था, तो इसकी वजह से जियान की स्ट्रेंथ को ही क्लैन लीडर बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। लेकिन जियान की स्पीड को देख के उसे ये पता लग गया था कि ये मेरे लिए एक बड़ा खतरा है। अगर जियान थोड़ा सा भी कमजोर होता तो ये पक्का पहले अटैक कर देता, लेकिन जियान ऑलरेडी 2 होंग और 2 जोंग से लड़ाई खेल के आ रहा है, तो उसे तो ऐसी छोटी मोटी सिचुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ही क्लैन लीडर यहाँ पे काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। जियान को देख के कैगेंग के फेस पे दोबारा से रोजीनेस आ जाती है, लेकिन अभी भी उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मेडिसिनल पिल लेने के बाद भी वो बोल नहीं पा रहा था। जियान कागेंग की तरफ स्माइल करते हुए कहता है, अंकल कागेंग चिंता मत करो, अब तुम्हारे ग्रुप में एक भी मौत नहीं होगी। तभी पीछे से एक सरकास्टिक आवाज आती है, क्या एरोगेंट वर्ड्स, आखिर तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें पता है तुम किस मैटर में अपनी नाक घुसा रहे हो। और ये आवाज होती है ही क्लैन लीडर की। साथ में ही क्लैन के कई गार्ड्स अपने बालों को जियान की तरफ पॉइंट करे हुए थे, स्पीयर्स को। अब इस सिचुएशन को देख के ब्लडी ग्रुप के लोग फिर से निराश होने लगते हैं, लेकिन जियान यहाँ पे सबकी बकवास को इग्नोर करता है। वो उस क्लैन लीडर से कहता है कि तुम्हें वो फायर लोटस बोटल्स और चाहिए क्या। ये सुन के ही क्लैन के लीडर का थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो कहता है, वो चीजें तुमने क्रिएट करी है। ये सुन के वो ही क्लैन लीडर कहता है, हाँ ये पॉसिबल तो है, तुम एक लाइफ के बदले एक फायर लोटस की बोटल को एक्सचेंज कर सकते हो, क्या बोलते हो। लेकिन जियान इसका बस एक जवाब देता है, कुछ नहीं। ये सुन के उस क्लैन लीडर के फेस पे दोबारा से एक कोल्ड एक्सप्रेशन आ जाता है। वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम जा सकते हो। अब मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन हमारा ही क्लैन भी कोई सॉफ्ट पर्सन नहीं है। तुम हमारे ही क्लैन से अगर पंगे लेने ही चाहते हो तो ये जान लो, इसमें तुम्हारा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अब जियान भी इसकी हिपोक्रिटिकल बातें सुन के थोड़ा सा पक गया था, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलता है कि तुम 10 मिनट में यहाँ से फूट लो, मैं समझूंगा कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। ये सुन के उस क्लैन लीडर के साथ साथ बाकी के ही क्लैन मेंबर्स भी हंसने लगते हैं। ये सुन के वो क्लैन लीडर कहता है कि तुम पहले बंदे हो जिसने मेरे साथ ऐसे बात करी। ये सही बात है कि आजकल के नए लौंडे बिल्कुल नहीं डरते। उसकी ये बात सुन के जियान भी समझ गया था कि आज ये मैटर सिंपली सॉल्व नहीं होने वाला। अब इस समय जियान ऑलरेडी 2 वांग में ब्रेक थ्रू करने की प्रिपरेशन कर रहा था, तो जैसे ही जियान की बॉडी से उसकी दुईकी की फ्लक्चुएशंस बाहर आई, तभी आसपास के सभी लोगों को एक 2 वांग लेवल के प्रैक्टिसर का ऑरा फील हुआ। और सिर्फ इस ऑरे के प्रेशर से वो ही क्लैन का लीडर 10 कदम पीछे चला जाता है। अब उसकी बॉडी अंदर से थोड़ी थोड़ी कांपने लगी थी। अब इस समय उसके मुंह के बिल्कुल एक्सप्रेशंस चेंज हो चुके थे। जो पुरानी एक इविल स्माइल थी वो बिल्कुल डिसअपीयर हो चुकी थी। उसने अपने सपनों में भी ये कभी नहीं सोचा था कि वो एक ऐसे बंदे से पंगा लेगा जो कि एक 2 वांग लेवल का फाइटर होगा। वो कई बार अपना सलाइवा निगलने की कोशिश करता है, लेकिन हालत तो अब ऐसी थी कि अब वो भी नहीं हो रहा था। वो तो बेचारा एक छोटे से मर्सनरी ग्रुप से डील करने के लिए आया था, उसे कैसे पता था कि वो इतने डेंजरस इंसान से पंगे ले लेगा। कागेंग, लिंगर और भी सारे के सारे लोग सब जियान की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उनके अंदर की दुखी अब पूरी तरीके से सप्रेस हो चुकी थी। लेकिन इससे बड़ा शौक उन लोगों को लगा जो जियान को जानते थे। उन्हें ये पता था कि कुछ ही सालों पहले ये बस दाओदाओशी लेवल का एक बंदा भी नहीं था, और अब इतनी खतरनाक टेरिफाइंग स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है। उन लोगों ने अपनी लाइफ में इस तरीके के मॉन्स्टर को कभी नहीं देखा था। लिंगर के वो सेकंड अंकल भी जियान को देखते हैं, और वो भी इस रियलिटी के ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहे थे। जियान के बॉडी की प्रेशर की वजह से उस ही क्लैन लीडर की पूरी बॉडी का और अनस्टेबल हो जाता है, लेकिन अभी भी वो इस शौक से बाहर नहीं आया था कि जामा एम्पायर में कब इतना यंग 2 वांग प्रैक्टिशनर पैदा हो गया। वो काफी टाइम तक इस बारे में सोचता रहता है, लेकिन अचानक ही उसके दिमाग में एक बात क्लिक करती है। उसे याद आता है कि कुछ ही टाइम पहले जामा एम्पायर में एक बहुत ही भयानक फाइट हुई थी, और उस फाइट की वजह से पूरे जामा एम्पायर का स्ट्रक्चर ही बदल गया, और जो उस फाइट का मेन कैरेक्टर था वो भी काफी ज्यादा यंग था, और वो भी काले कलर के कपड़े पहनता था। और इस बात से उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहता है, वेट, काले कपड़े, तुम याना लाइंस के चीफ जियान हो। और ये ही क्लैन के लीडर की आवाज लोगों के दिमाग में एक थंडर की तरह काम करती है। जो लोग अभी भी सपने में खोए हुए थे वो अचानक जाग जाते हैं, खासकर ही क्लैन के मेंबर्स की तो फटके, समझ रहे हो ना। ये बातें सुन के जियान अपनी एक आईब्राउ रेज करता है, लेकिन उसका ऑरा बिल्कुल भी वीक नहीं होता, बल्कि उसकी आंखों में चिलनेस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जियान का साइलेंट रह के इस बात को एग्री करना खासकर लोगों को और ज्यादा डरा देता है। क्लैन के सारे मेंबर्स के हाथ पैर बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए थे। अब सबके दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि अपने अपना सर सब दीवार में मारो और तुरंत ही मर जाओ, क्योंकि क्या उनके लीडर का बिल्कुल दिमाग सड़ गया था जो ऐसे खतरनाक इंसान से पंगा ले लिया। इस इंसान की तरफ तो पूरे जामा एम्पायर में कोई उंगली नहीं उठा सकता। क्या उनकी छोटी सी ही फैमिली की इतनी औकात है कि वो याना लाइन से पंगे लेंगे। याना
अलायंस जब चाहे तब ही क्लैन को 556 बार डिस्ट्रॉय कर सकता है और उसका लीडर है जियान और उससे ले लिए हमने पंगे। ये बात सोच के ही क्लैन के लीडर की पूरी बॉडी कांपने लगती है। वो अपने पूरे ऑरे को बहुत जल्दी डिस्पेल करता है और पोलाइटली ग्रीटिंग करते हुए कहता है कि मुझे पता नहीं था कि चीफ शाओ को देखने का मुझे मौका मिलेगा। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे ही क्लैन को माफ कर दो। इस मैटर में जो आपका डिसीजन होगा मेरी ही फैमिली उस बात को बिल्कुल मानेगी। और जो ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ये बस एक सेकंड में हो गई है। ये देख के सारे ब्लडी ग्रुप पैटल मर्सनरीज की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो इस सीन को देख के काफी चौंक गए थे कि ही क्लैन लीडर अपना सर झुकाए हुए एक नौकर की तरह। लेकिन ही क्लैन के हेड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस शांति से अपना सर झुकाए हुए था क्योंकि उसकी पूरी बॉडी ऑलरेडी डर की वजह से पसीने से नाई हुई थी। अब क्योंकि ही क्लैन की जामा एम्पायर में थोड़ी सी पहचान थी तो ही क्लैन लीडर को पहले ही पता था कि पूरी बैटल में क्या हुआ था, किस तरीके से जियान ने पूरे मिस्टी क्लाउड सेक्ट को जड़ों से उखाड़ डाला था। और वो ये भी जानता था कि उसके ही क्लैन में और मिस्टी क्लाउड सेक्ट में कितना बड़ा अंतर है और इस वक्त पूरे एम्पायर का सबसे पावरफुल लीडर उसके सामने है। और वो इस बात को भी अच्छे से जानता था कि वो जियान से भाग के नहीं जा सकता क्योंकि जब यूनशेन जैसे डाउजोंग को जियान ने धूल चटा दी थी तो ये ही क्लैन लीडर किस खेत की मूली था। अगर जियान चाहे तो बस उसके एक सेंटेंस कहने पे पूरा ही क्लैन जामा एम्पायर से गायब हो जाएगा। तो इसलिए बस जियान के तलवे चाटने का ऑप्शन बचा था क्लैन लीडर के पास। अपने क्लैन हेड को इस तरीके से बिहेव करता देख सारे के सारे गार्ड्स मिट्टी के पुतले बन जाते हैं क्योंकि उनने भी यान अलायंस के बारे में सुन रखा था। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है लिंगर की तरफ। वो कहती है ये एक्चुअली यान अलायंस के हेड है। और सेम लिंगर की तरह उसका पूरा ग्रुप बहुत बड़े शौक में था क्योंकि यान अलायंस के हेड से मिलने का सपना किसी ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। ऑफकोर्स ऐसी बात नहीं थी कि वो इस बारे में सोचना नहीं चाहते थे, लेकिन बस उनकी हिम्मत नहीं हुई इस बात को सोचने की कि ये वो सेम इंसान है जो यान अलायंस का हेड है, जो जामा एम्पायर की सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स को कंट्रोल करता है। लिंगर के सेकंड अंकल भी अपना सलाइवा अपने पेट में वापस गटकते हैं क्योंकि उन्हें भी ये कभी नहीं सोचा था कि वो इतने लेजेंडरी इंसान को बिफ्रेंड करेंगे। ये शौक सारे के सारे ग्रुप में काफी देर तक रहा। अब वहां पे सारे के सारे लोगों के फेस बिल्कुल स्टिफ हो चुके थे। जियान भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान था कि ये ही क्लैन का लीडर अपना रंग इतनी जल्दी बदल भी सकता है। जियान अपने दिल में ये बात भी जानता था कि अगर वो ही क्लैन लीडर की जगह पे होता तो शायद उसके लिए भी यही ऑप्शन सबसे बढ़िया होता क्योंकि दूसरा ऑप्शन तो क्लैन एलिमिनेशन है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफी टाइम तक अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हैं। वो कहावत है ना कि चाहे डॉट 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 फटे पर नवाबी न घटे। अब हो सकता है कि और लोगों की आंखों में इस क्लैन लीडर का डिसीजन काफी ज्यादा शेमफुल हो, लेकिन ये बात जियान की नजरों में नहीं थी। जियान जानता था कि ये क्लैन लीडर सबसे पहले अपने ग्रुप के बारे में सोचता है और अपने ग्रुप के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। सीधी बात में कहें तो ये काफी अच्छा क्लैन लीडर है। जियान अपने ऑरे को वापस से रिट्रैक्ट करते हुए कहता है कि क्या हुआ, अब तुम्हें नहीं चाहिए फायर लोटस बॉटल्स? ये सुन के तो ही क्लैन लीडर के दोबारा पसीना आ जाता है। वो पीछे जाते हुए कहता है कि नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, पहले मैं आपको जानता नहीं था, अब क्योंकि मैं आपकी आइडेंटिटी जान चुका हूं तो अब मेरे पास गट्स नहीं है कि आपसे कुछ भी डिमांड करूं। ये बात सुन के जियान स्माइल करके पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिसका आंसर करते हुए वो कहता है हीगन। जियान नॉड करता है और काफी सोचने के बाद कहता है कि मेरी ब्लडी बैटल मर्सरी ग्रुप से काफी पुरानी रिलेशनशिप है, तो चलो तुम्हें आज जाने दे रहा हूँ लेकिन आगे से ये दोबारा गलती मत करना। जिस बात पे ही क्लैन लीडर कहता है बिल्कुल, अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं कभी सपनों में भी ब्लडी बैटल मर्सनरी ग्रुप से फाइट लेने के लिए नहीं आता। ये नाम काफी ज्यादा टंग ट्विस्टर है। वो कहता है कि मैं इन सब लोगों से माफी मांगूंगा और इन्हें प्रॉपरली कंपनसेट करूंगा। हीगान की स्माइल देख के वो सेकंड अंकल भी अपने हाथ कप करते हैं। वो हीगान की स्ट्रेंथ को बिल्कुल जानते थे और वो ये भी जानते थे कि इसे मेरे ग्रुप को साफ करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आज जियान यहाँ पे नहीं आता तो शायद इनका पूरा पत्ता साफ हो जाता, लेकिन जियान का डिसीजन देख के उन दोनों में फर्क भी समझ गए थे। यहाँ पे जियान के पास पूरी पावर है लेकिन उसके बाद भी वो ओवरबोर्ड नहीं गया। जियान भी सिचुएशन को देख के काफी ज्यादा सेटिस्फाइड था। उसके लिए हीगन को मारना बिल्कुल आसान तो था, लेकिन हीगन के पीछे उसका पूरा क्लैन खड़ा हुआ था और अभी जियान को दो वांग में ब्रेक थ्रू करने की जल्दी है, जिसकी वजह से वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इस मौके का फायदा उठा के हीगन कहता है कि चीफ शाओ हमारा ही क्लैन भी यान अलायंस को ज्वाइन करना चाहता है। इस बात का मन मैंने काफी टाइम पहले बना लिया था, तो क्या आप मुझे अपना एक सबॉर्डिनेट बनने का मौका दोगे? जियान दोबारा से ये सुन के थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि ये ओल्ड मैन भी काफी ज्यादा चालाक लोमड़ी लग रहा था। उसने बस थोड़ी सी बातों से इस दुश्मनी को एक बॉस और सबॉर्डिनेट की रिलेशनशिप में चेंज कर दिया था। और इस बात को लेके जियान अंदर ही अंदर हीगन की तारीफ भी कर रहा था। जियान कहता है तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को मैं बिल्कुल याद रखूंगा, अगर तुम लॉयल रहते हो तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें दो वांग में ब्रेक थ्रू करवा दूंगा, लेकिन दो वांग के पीक तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात सुन के हीगन की आंखों में एक सरप्राइज फ्लैश होता है क्योंकि उसे पता था कि अपनी इस एज में ब्रेक थ्रू करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है और वो दो वांग बनने की तो उम्मीद बिल्कुल खो ही चुका था। उसके लिए दो वांग के पीक पे पहुंचना ही बहुत बड़ी बात थी। तो ये सुन के वो एक रिस्पेक्टफुल थैंक्स बोलता है। जियान कहता है चलो आज के मामलों को यहीं पे खत्म करते हैं, मुझे थोड़ा सा काम है, आई होप तुम अपने मैटर्स को यहाँ पे सेटल कर लोगे। तो हीगान कहता है चीफ आप बिल्कुल चिंता मत करो। जियान मुड़ के कागेंग की तरफ देखता है और एक पिल को एक फ्लिक से उसके पास पहुंचा देता है। वो कहता है एक हीलिंग पिल है, इससे तुम आराम से रिकवर हो सकते हो और ही क्लैन अब तुम्हारे लिए और ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगा। ये
सुन के कैगेंग भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। जियान भी अपने दोनों हाथ कप करते हुए कहता है कि चलो आज के मैटर को यहीं पे खत्म करते हैं, अब मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। और ये कहने के बाद ही वो एक रे ऑफ लाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लिंगर जियान के फिगर को कंटिन्यूस देखती रहती है। अब ये तो भाई नेचुरल गेम है, कोई भी लड़की एक स्ट्रॉन्ग लड़के से बिल्कुल अट्रैक्ट होगी। एक दोवांग वॉरियर को एक नौकर की तरह बिहेव करते हुए देख आखिर कैसे वो अट्रैक्ट फील नहीं करती, क्योंकि जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वो सबसे ज्यादा चमकदार भी होते हैं। और हमारे जियान ने यहाँ पे वो क्वालिफिकेशन हासिल कर रखी है और आई होप आप सब भी वो क्वालिफिकेशन हासिल करो। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 748 यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको कैसी लगी है एक्सप्लेनेशन, और आपके अगर कोई सजेशंस हैं तो उनको बिल्कुल कमेंट्स में लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब करके अगर अभी तक फैमिली का पार्ट नहीं बने हो तो वो कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही शानदार एक्सप्लेनेशंस को लेके आता रहता हूँ। राइट साइड में क्लिक करके देख सकते हो पिछले पार्ट का एक्सप्लेनेशन। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, आई एम शिवम साइनिंग आउट।